आज हम बनाने वाले हैं कस्टर्ड। तो उसके लिए मेरे पास ये है बॉक्स जो है ₹35 की, और इसमें इंग्रेडिएंट्स भी है कैसे से बनाए। ये देखिए, इसमें ये सब डाला है, मैच स्टार्च सॉल्ट ये सब। तो और ये रेसिपी है कैसे बनाने, तो ये है रेसिपी। चलो हम लोग बनाते हैं कस्टर्ड। तो मैंने नीचे से दूध लाया था 1 लीटर, जो ₹42 का है, और ये 1 लीटर दूध हमें चाहिए, और हमें शक्कर चाहिए 50 ग्राम या 100 ग्राम। तो मैंने ये दूध ये वेसल में डाल दिया है, और मैंने यहाँ पे वाटी लिया है, इसमें हम 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाल देंगे। तो मैंने 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाल दिया है, और यहाँ पे दूध है, इसको हम इसमें डाल देंगे। और हम इसे मिक्स, तो मैंने दूध को गर्म किया है, ये 325 ml या फिर 500 ml आप गर्म कीजिए दूध को। और यहाँ पे मेरा ये मिक्स हो गया है कस्टर्ड, कस्टर्ड डाला इसमें और दूध डाला, और इसे मैंने मिक्स किया। और ये नीचे ये चिपकता रहता है, ये रहता है, इसे चिपकता है, तो आप मिक्स करते रहिए, क्योंकि ये चिपकने का ये रहता है, तो ये जाना चाहिए नीचे। तो आप ऐसे मिक्स करते रहिए क्योंकि नीचे ना ये जाड़ा से ये बैटर ये सब चिपकता है नीचे। और यहाँ पे मैंने गुड़ लिया है, क्योंकि ये जो दूध जब भी गर्म होएगा तभी इसमें शक्कर डालना है। अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट है तो आप शक्कर के बजाय ये गुड़ डालिए, ये गुड़ है पहला ज़माने का जैसा। तो ये शक्कर है, तो ये हम डालेंगे 50 ग्राम या 100 ग्राम। और यहाँ पे ये गुड़ है, अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट है तो ये डालिए, थोड़ा सा ऐसा कट कीजिए और ये डालिए और मिक्स कीजिए। तो जब ये दूध बॉइलिंग का स्टेज में आएगा तभी हम इसमें शक्कर डालेंगे। तो हमने इसमें 2 चम्मच शक्कर डाला, 2 TSP शक्कर, वीडियो ये निकाल नहीं पाया, पर इसमें 2 चम्मच शक्कर डाला है। तो इसे मिक्स करते रहना है, इसमें नीचे ना ये येल्लो येल्लो कलर का दाग ये बनता है, और हमें इसे इसमें डालना है, और हमें इसे मिक्स भी करते रहना है और डालते भी जाना है, दोनों काम करना है, क्योंकि नीचे ऐसा अगर छोड़ देगा ना तो नीचे ये जलने का जैसा हो जाता है, नीचे सब ये आ जाते हैं। इसे इसे मिक्स करते जाना है, और इसे यहाँ पर भी डालते समय मिक्स करना है, या फिर ये नीचे जल जाएगा अगर ये। तो ये ठंडा हो गया है, और अभी मैं इसे फ्रिज में रखूँगा, अभी रात हुआ है तो कल सुबह को मैं निकालूँगा और दोपहर को ठंडा ठंडा खा लूँगा। तो इसमें फ्रूट्स डालने गए, एप्पल, प्रोमोग्रेनेट, ग्रेप्स, चीकू, वो सब कट करके, क्योंकि इसमें मस्त स्वाद आएगा। तो मैं तो कल सुबह को जब भी ठंडा हो जाएगा तभी डाल दूँगा इसमें, आप चाहे तो अब भी डाल सकते हैं और इसे ठंडा होने रख दो इसे, तो ठंडा ठंडा खाने में मज़ा आता है, तो इसके लिए हम ठंडा ठंडा खा रहे हैं। और अगर आपको ठंडा नहीं खाना है तो आप रूम टेम्परेचर में ये जब ही आ जाएगा तभी आप इसमें फ्रूट्स डाल के मिक्स करके आप खा सकते हैं। तो ये सब फ्रूट्स है, तो लीची है, इसका छिलका निकालेंगे, और फिर इसके अंदर बीज रहते हैं,
तो चलिए ये सब हम डालेंगे। चेरी नहीं डाल। तो हमारे पास सीक्रेट इंग्रेडिएंट है और वो है ये चेरी। तो अभी हम इसे कट कट करेंगे और ये इसमें एक एक करके डालेंगे। तो ये फ्रूट हो गया है, ये चेरी है, तो हम इसमें डाल देंगे। एक्चुअली ये गाढ़ा होना चाहिए था पर ये गाढ़ा बना है। गाढ़ा बनना चाहिए। तो हमारा कस्टर्ड ऐसा गाढ़ा बनना चाहिए था पर हमारा कस्टर्ड लिक्विड लिक्विड बना। तो ऐसा गाढ़ा होना चाहिए था कस्टर्ड।